जाइंट सीताफल शुगर एप्पल आइसक्रीम वाला। शोलापुर नाम के गांव में नायक संगीता नाम के दंपति को मोटू नाम का एक बेटा था। नायर हर दम शराब पीते हुए घर की परवाह नहीं करता था। उसके बेटे मोटू को हर दम भूख लगती रहती थी, इस वजह से माँ की पूरी कमाई वो आइसक्रीम खाने में ही खर्च कर देता था। मोटू बहुत मोटा बन गया, वो माँ की बात भी नहीं सुनता था। एक बार मोटू के घर को उस गांव का एमएलए, मोटू का पिता नायर, एमएलए के आदमियों के साथ आया। बाहर मोटू को देखकर नायर, मोटू है भाई, हाथी के जैसे खाता है, बहुत बहुत खाता है, आइसक्रीम भी खाता है, मोटू है भाई, मोटू है, कहकर गाया एमएलए तब। भाई नायर, तुम्हारे बेटे के बारे में क्या मस्त गाए। कहा। इतने में संगीता वहाँ पर आई और, छी, तुम कैसे पिता हो, इन कमीनों के साथ मिलके अपने बेटे का ही मजाक उड़ा रहे हो, बोली नायर तब। देखो, तुम मुझे जितना चाहे उतना गाली दो, इसके नाम पे जो 2 एकड़ की जमीन है ना, उसे एमएलए जी को बेच देंगे, हमारे कर्ज चुका सकते हैं, बहुत पैसे भी बचेंगे, हम खुशी खुशी जिंदगी के मजे ले सकते हैं, बाद में हम इस मोटो को छोड़ देंगे, कहा संगीता तब। देखो, एक और बार उस खेत के बारे में या मेरे बेटे के बारे में बात किए तो अच्छा नहीं रहेगा, वैसे भी मैंने तुम्हारे एमएलए जी का कर्ज कब का चुका दिया है, गलत हिसाब दिखाई तो कोई पैसे नहीं देगा, जाओ यहाँ से, कहते ही एमएलए वाले वहाँ से चले गए। उस रात मोटू से उसकी माँ अपना दुखड़ा सुनाते हुए बहुत रोने लगी। इससे मोटू सोच में पड़ गया और अगले दिन नौकरी की तलाश में पूरा गांव घूमने लगा। हर कोई उसका अपमान कर रहा था, मगर उसे नौकरी कोई नहीं दे रहा था। इससे मोटू को गुस्सा आया और वो 2 दिनों से खाना खाना बंद कर दिया। एक बार एक भिखारी मोटू के घर को आकर भीख मांगने लगा। मोटू तब, दादा, घर में जाकर मेरा खाना भी आप ही खा लो, मुझे अब खाने की जरूरत नहीं है, मुझे आइसक्रीम भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कहा भिखारी तब। सब मैं ही खा जाऊंगा, मगर मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है, तुम्हें वो लेना ही होगा, कहकर एक बीज को लेकर बगल में मौजूद एक खाली जगह में फेंका। बस अचानक वहां पर एक पेड़ उगकर उसके ऊपर बड़े बड़े सीताफल उगे। मोटू उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गया। भिखारी तब, देखो, ये बड़ा सीताफल तुम्हारे घर में ही उगेगा, इससे तुम अपनी मर्जी आए जैसे आइसक्रीम बनाओ या बेचो, जैसे तैसे पैसे कमाओ, कहकर वो भिखारी वहां से चला गया। बाद में उस भिखारी की बातें मोटू अपने माँ से बताया। उसके बातें सुनकर माँ बहुत खुश हुई। बाद में मोटू एक जगह आइसक्रीम का सेटअप तैयार करके सीताफल को ऑटो में लेकर निकला। लोग उस सीताफल को बहुत आश्चर्य से देखने लगे। उतना ही नहीं, थोड़े लोग तो ऑटो के पीछे पीछे भागने लगे। बाद में मोटू उस सीताफल से आइसक्रीम बनाकर लोगों को बेचा। सब आइसक्रीम खाकर मोटू की बहुत तारीफ की। अब मोटू लोगों से, भाई लोग, आप सब बहुत भाग्यशाली हो, मैंने मेरे घर में के पेड़ से मुझे गांव वालों को आइसक्रीम बेचना है, जरा बड़ा फल देना कहा, बस भाई इतना बड़ा फल होगा, भाई आप सब बहुत भाग्यशाली हो, कहते ही आइसक्रीम खाए सारे लोग तालियां मारकर उसे पैसे देकर चले गए। तब से वो लोग आए दिन आकर मोटू के पास सीताफल आइसक्रीम खाने लगे। ऐसे देखते देखते ही थोड़े दिनों में ही जाइंट सीताफल आइसक्रीम बहुत मशहूर हुई। मोटू बहुत पैसे कमाकर एमएलए को दे दिया। एक बार मोटू अपने घर को जाकर देखा तो एमएलए अपने आदमियों के साथ वही मौजूद था।
वहाँ पर सीताफल के पेड़ पे उगे फल को देखकर एमएलए, तुम्हारे बेटे ने मेरा कर्ज तो चुका दिया, सुना है कि ये सब इस पेड़ के वजह से ही है। अब से मुझे तुम्हारे खेत पे ही नहीं इस पेड़ पे भी मन आ गया। आप दोनों अपने अंगूठे का निशान दो, मैं आराम से ये घर खेत और पेड़ सब ले लूंगा। कहते ही वहाँ पर रुक्मिणी नाम की एक महिला आई एमएलए से। रुक्मिणी, एमएलए जी आजकल आपके अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। शराफत से इस पेड़ को छोड़ दो, ये हमारा किस्मत वाला पेड़ है। बोली एमएलए, किस्मत विस्मत कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगे तो किसी को भी छीन लूंगा। कहते ही रुक्मिणी बाहर भाग के, गांव वालों आइए आइए, ये एमएलए हमें मारने की धमकी दे रहा है, औरतों को भी नहीं छोड़ेगा कह रहा है, सब आइए इस कमीने को सबक सिखाएंगे, कहकर पुकारी। उसकी पुकार सुनकर लोग भागते हुए आकर एमएलए को, उसके आदमियों को और नायक को पकड़कर खूब मारे। वो लोग उनके मार सह नहीं पाए और वहां से भाग गए। तब से एमएलए कभी भी मोटू के आड़े नहीं आया। नायर भी सुधर गया और वो सीताफल आइसक्रीम बेचने में मोटू की मदद करने लगा।